हेलो दोस्तों, क्या आपको हमारे भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह के बारे में पता है? अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्र प्रतीक व चिन्ह होते हैं। यह प्रतीक उन देशों का इतिहास बताता है। हमारे भारत के भी कई राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह हैं जो दुनिया में भारत की पहचान बताते हैं। आइए हम जानते हैं भारत के ऐसे 12 राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह के बारे में, जिनका इतिहास और उनका अर्थ बड़ा ही रोचक और प्रेरणादायक है। जैसे राष्ट्र पशु बाघ, जो मजबूती को दिखाता है। राष्ट्रीय फूल कमल, जो शुद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद, जो अमरत्व को दर्शाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो सुंदरता को दिखाता है। राष्ट्रीय फल आम, जो देश के उष्णकटिबंधीय जलवायु को बताता है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का प्रेरणा का कार्य करता है। राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर शक्ति हिम्मत गर्व और विश्वास आदि को दिखाता है। पहले नंबर पे आता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी थी। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती है, जिसके बीच में 24 तिलियों वाला चक्र होता है, जो अशोक चक्र से लिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे स्वीकार किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि से सत्यमेव जयते लिखा है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिसका पिछला हिस्सा खम्भों से जुड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे है राष्ट्रीय गान जन गण मन। संवैधानिक सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। इस संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है। चौथे नंबर पे आता है राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु की मान्यता दी गई है। इसकी घोषणा अप्रैल 1973 में किया गया था। यह अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथ्रा टाइग्रिस है। पांचवे नंबर पे आता है राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्ज दिया गया है। यह पक्षी एकता के संजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत इसे सुरक्षा प्रदान की गई है। छठे नंबर पे आता है राष्ट्रीय फूल कमल। कमल को भारत में राष्ट्रीय फूल का दर्जा मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम निलियम्बो न्यूसीफेरा है। यह फूल उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु और सुंदरता को दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। इसे देवी देवता भी धारण करते हैं। सातवें नंबर पे है राष्ट्रीय नदी गंगा। देश की गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह करीब 2510 किलोमीटर का सफर कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई थी। आठवें नंबर पे आता है राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत की आधिकारिक करेंसी भारतीय रुपया है। इसके संबंधित सभी मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को देवनागरिक व्यंजन और लेटिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई। नब्बे नंबर पे आता है राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष। देश का राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा वट को मिला हुआ है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार
वट के पेड़ की शाखाओं पर एक साथ छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का धार्मिक महत्व होने के साथ इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। 10वें नंबर पे आता है राष्ट्रीय खेल हॉकी। ओलंपिक में भारत को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल दिलाने वाले हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला है। हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा तब मिला था जब सन 1928 से 1956 भारत के लिए एक सुनहरा समय था, जब भारत ने 6 लगातार जीत के साथ 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। अभी तक के भारतीय हॉकी इतिहास में ध्यानचंद सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। उन्हें अभी भी असाधारण गोल करने के कौशल के लिए याद किया जाता है। 11वें नंबर पे है भारत का राष्ट्रीय फल आम को सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। 100 से ज़्यादा किस्मों के विभिन्न आकार, माप और रंग के उपलब्ध है। इस रसदार फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी पैदावार भारत के लगभग हर क्षेत्र में है। यह विटामिन ए, सी और डी से युक्त है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। 12वें नंबर पे आता है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। 22 मार्च 1957 में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में साका कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। जब यह कैलेंडर सुधार कमेटी द्वारा नेपाल संबत में प्रस्तुत हुआ था, यह कैलेंडर साका युग पर आधारित है। इस कैलेंडर की तारीख ज़्यादातर ग्रेगोरियन कैलेंडर तारीख से मिलती जुलती है। ऐसे और भी हमारे भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह की जानकारी नेक्स्ट पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको यह जानकारी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करते जाएं और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुँच सके।